की जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका ज़रूर था। यहाँ पर बहुजन वर्ग का एकाधा कांग्रेस, एनसीपी, सेना, भाजपा के विकल्प में कोई उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए, ऐसा सभी वंचित घटकों की एक लंबे अरसे से मांग थी। लेकिन ये मौका उसको जिस तरीके से आवाम को या पब्लिक को, जनता को एकजुट करना चाहिए था, शायद वक्त की कमी कहें या यंत्रणा की कमी कहें, वो करने में हम कम पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 दिन का अवसर था, जो एरिया में हम पहुँचे वहाँ पर की वोटिंग एक सरासरी अभी जो नज़र डाले हैं तो वो काफ़ी अच्छी है। जहाँ हम पहुँच नहीं पाए, जिन एरिया में हम देर से पहुँचे, उन एरिया में पहले ही कोई और पार्टी के लोगों ने पहुंचकर अपनी यंत्रणा वहाँ पर कर ली थी। एक दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक अलायंस की उम्मीद आवाम करती है कि ये पार्टियाँ एक होनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होता है। जब ये एक नहीं होनी चाहिए तब एक होगी, और जब होनी चाहिए तब नहीं होगी। राजनीतिक एकता की वजह से या इस पर निर्भर या इस पर डिपेंड अगर आवाम रहेगी तो ये कभी नहीं होगा। अभी जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं में अगर एकजुट नहीं हो रहा है तो जनता को ही एक अच्छी बाजू, बेहतर से बेहतर, पॉजिटिव से पॉजिटिव बाजू देखकर एकजुट होना पड़ेगा। इसमें प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स और मनी पावर पॉलिटिक्स जो होती है, इसको कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमने एक अच्छा जवाब दिया है। आप देखेंगे तो 26,000 से ज़्यादा अभी और 6-7 मशीनें वीवीपैट गिनना बाकी है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 26-27,000 वोटों तक पहुंचना, कम यंत्रणा में पहुंचना, और मनी पावर का वोटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हुए, वोटर्स को इस्तेमाल नहीं करते हुए भी पहुंचना, ये मुझे लगता है कि एक अच्छी लड़ाई रही। लेकिन वोट कम मिले, लेकिन मोहब्बतें बहुत मिली, लोगों से रिस्पांस बहुत मिला है, और लोगों ने जो विश्वास दिखाया है ये पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों के ऊपर भी उनका हम पर जो अधिकार है वो हम 5 सालों तक निभाएंगे। हम कल ही से अपना ज़मीनी काम शुरू करेंगे। जो जो एरिया में बहुत अच्छे वोट मिले हैं उन लोगों का विश्वास कम न हो, वो लोगों के विश्वास को हम 5 सालों तक एक प्रतिनिधि की हैसियत से निभाएं, उनकी समस्याओं पर हम लड़ें, ये हमारा कमिटमेंट है। जहां हमको वोट नहीं मिले वहां पर भी हम ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी करेंगे, और मुझे लगता है कि इस चुनाव ने हमें राजनीतिक तो बना दिया है, और अब यहां से आगे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों की सेवा करने के लिए ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे। और जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की है, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमको अपना दिल छोटा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने पहली लड़ाई है, 27,000 वोट के करीब पहुँचना, 26 के ऊपर पहुँचना, ये बहुत टफ चीज़ होती है, और हम पहुँचे हैं, और वो भी हमने जो दल का हमारा वोट मिला है उनको और विकल्प थे, लेकिन उन्होंने वो विकल्प छोड़कर हमको चुना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं नांदेड़ की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि एक मतदार संघ के पुरता नहीं, लेकिन हम नांदेड़ शहर और ज़िले में यहाँ से आगे बड़ी ताकत के साथ ज़मीन पर रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आपकी वैचारिक लड़ाई थी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार थे उन लोगों ने लोगों को प्रलोभन दिया या पैसे का इस्तेमाल हुआ, ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से ये सब सरासरी देखा जाए तो पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, ये आम बात थी, और हम इसको बदलना चाह रहे हैं और बदलना चाह रहे थे और बदलना चाह रहे हैं। आज भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे पैसे की पॉलिटिक्स के दौर में, अफवाहों के पॉलिटिक्स के दौर में, झूठ और फरेब के दौर में, मोहब्बतों के बिना पर और अच्छाई के बिना पर इतने वोट ले लेना ऐसे वक्त में कि जब 40-45,000 के अंदर विनिंग कैंडिडेट है और उसके बाद में रनर अप का 3-4 हज़ार का डिफरेंस है, तो भी ये भी बड़ा अचीवमेंट है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा मायूसी की तो बिल्कुल मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश और निरंतर चलेगी तो मुझे यकीन है कि नांदेड़ की आवाम में
ये चीज़ को लेकर अभी और भी बेदारी आएगी, जागरूकता आएगी और आने वाले महानगर पालिका जिला परिषद पंचायत समिति में हम यकीनन कोशिश करेंगे कि यही साफ सुथरी सियासत के माध्यम से हम जीत भी हासिल करें। एमआईएम के साथ अगर अलायंस हुआ होता तो और फर्क पड़ जाता, या आपको विनिंग लेवल पे आ जाते थे? अभी ये आम जहन, अगर अपने आम लोगों का ऐसा जहन जरूर बनेगा कि भाई ये अलायंस होता तो, लेकिन जब हम एमआईएम और वंचित के वोटों की टोटल करके विनिंग कैंडिडेट को देखेंगे तो यकीनन आपको ये टोटल ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि चाबी और सेना के वोट अगर काउंट कर लेंगे या दोनों को जोड़ दोगे तो फिर ये दोनों वोटों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और एक बात है कि अभी वंचित घटकों के अंदर राजनीतिक तौर पर एकजुटता करने की उतनी होड़ नहीं रहती है, उतनी सूझबूझ नहीं है, अभी बेदारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। लेकिन अगर ये अलायंस में रहते, नांदेड़ दक्षिण के हद तक मैं कहूँगा, अगर अलायंस होता है, एमआईएम और वंचित साथ होते और एक ही मुस्लिम स्ट्रांग कैंडिडेट होता तो जो फिरकापरस्त ताकतें हैं उनको हिंदू समाज को पोलराइज करने के अंदर, ध्रुवीकरण करने में उनको आसानी जाती, तो वो भी एक हो सकते हैं। तो यहाँ पर धर्म जाति के आधार पर कभी भी वोटरों की एकजुटता कामयाबी का रीज़न या सबब नहीं बन पाई है। हमको यहाँ पर पिछड़ेपन के समस्याओं के संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही राजनीतिक एकजुटता करनी पड़ेगी, जिसमें सभी समाज घटक हमको साथ लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम कभी भी एक अच्छी ताकत को स्ट्रांग ताकत नहीं बना पाएंगे।